हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर ना हमने गैस चूल्हा लिया हुआ था, तो उस पर ना अभी हमने कुछ बनाया नहीं था, तो हमने सोचा चलो बनाने से पहले ना थोड़ा सा इसकी पूजा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस ऐसे ही थोड़ा सा इसकी हमने पूजा की, फिर हमने ना इस पर बनाई हुई थी खीर। तो अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ना हम पूजा कर लेते हैं। चलिए फिर तो यहाँ पर जो हम बना लेते हैं खीर। तो खीर बस हमने कुकर रखा, उसमें हमने थोड़ा सा जो है पानी डाला, तेल डाला, पानी नहीं तेल डाला। फिर उसमें ना चावल धुल के हमने डाल दिए और बस इसमें पानी डाल दिया। पानी ना थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही डालना है ताकि चावल ना थोड़ा सा गीले गीले बने। तो यहाँ पर 2-3 सीटी आने तक जो है चावल को पका लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चावल हमारे वो बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इसमें ना पानी थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ था, तो हमने खुला ही ऐसे इसको पका लिया और इसमें चीनी डाल दी और इसको ना थोड़ा सा इस तरह से मैश कर देंगे। तो इससे ना जो चावल खड़े होते हैं वो थोड़ा सा और फूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दूध हमने रखा हुआ, तो दूध में जो चावल हमने पकाए थे वो डाल देंगे। ये ना फटाफट से जो है खीर बन जाती बहुत जल्दी। तो बस 5-6 मिनट के लिए इसको जो है मीडियम गैस पर पकाएंगे और हमारी जो है खीर वो बन जाएगी। तो कुछ जो हमारे पास ड्राई फ्रूट रखे हुए थे तो वो हम डाल देंगे। खीर जो है वो बन चुकी है, इसी में थोड़ी सी इलायची जो है हमने डाल दी। तो चलिए फिर नई नई गैस हमने ली थी उस पर जो है हमने खीर बना ली। अंधेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी ना थोड़ा सा कर रहे हैं सही। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ना मतलब 2-3 दिन से हमारे यहाँ, 2 दिन से मतलब कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ ना 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश वाला मौसम था तो बहुत अच्छा था मौसम। सब खिड़की खोलने पर ना थोड़ा सा उजाला आएगा तो और अच्छा है। तो अभी ना थोड़ा सा खाना वाना बना लेते हैं दोपहर का टाइम है। तो सारे तो काम धाम हमारे हो चुके हैं, तो चलिए फिर खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ काम और करेंगे। थोड़ा सा ना पौधों में पानी भी डालना है नीचे ऊपर, तो बारिश हुई तो उसमें जो है पानी जा चुका है। तो चलिए फिर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए फिर खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ कुछ करते हैं काम। ये ना मेरे दाना निकल आया है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, आज भी बादल किसी टाइम भी बच सकते हैं। कपड़े हमने डाले हुए नीचे, अंधेरा हुई आज बहुत बारिश हुई। पानी बहुत कम है, पानी भर जाएगा, बहुत कम बचाया। बारिश हुई है, बादल भी छाए हैं, ये रहा हमारे यहाँ का मौसम। क्या कर रहे हैं? ये सुहाना मौसम, बूंदें अभी भी पड़ रही हैं। Hmm?
हफ्ते के लिए। एक ही फूल है अपने पास, यही पानी। पता है गिलो या डाले रंग खानी, पता है काहे के लिए? पूरा समझ के निम्मा देखो कैसा अपना रंग दिखा रही है। चलो कोई ना, चलो चलते हैं, बाय बाय, नीचे चलते हैं। बढ़िया हो गया, बाय बाय। तो अभी ना हमारे घर में ना बहुत सारी सब्जी आई है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या बनाए हैं। तो फिर बाद में ना समझ आ गया कि क्या बनाए, तो ये सारी सब्जियां मैं कट कर ली हैं। मिक्स सब्जी बनाएंगे आज, क्योंकि सबको ना हेल्दी भी खाना है, अच्छा भी खाना है, हेल्दी भी खाना है। तो चलिए फिर बना लेते हैं। सबसे पहले ना थोड़ा सा सब्जियां रख लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ करेंगे। कैमरा मैन फोकस करो। ये लौकी आई है, मिक्स बनेगी लेकिन वो वाली नहीं, तड़के नहीं होगी। तो अभी ना हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्जी, जिसमें हमने ना ये पनीर लिया हुआ है, और ये गोभी, ये शिमला मिर्च ली हुई है, और मटर भी लेंगे। मटर ना अभी फ्रिज में रखी, हमने निकाली नहीं है। ये हमने ना इसमें प्याज, लहसुन और जो है टमाटर और अदरक, तो इसको ना एक दो मिनट के लिए टाइम में थोड़ा तेल डाला, पका लिया, फिर इसको ना पीस लेंगे। क्योंकि सबको ना हेल्दी भी खाना है, टेस्टी भी खाना है। वैसे तो ना ये सब्जियां मतलब तल कर की सब्जी बनाई जाती है, लेकिन तल देंगे तो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाएगा, तो इस वजह से तले ही बनाएंगे। इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सब्जी में डाल दिया पानी, और यहाँ पर ना ये पनीर और मटर जो हम जब सब्जी हमारी आधी पक जाएगी ना तब डालेंगे। तो यहाँ पर जो सब्जी हमारी बन चुकी है, इसमें ना हमने मटर और पनीर जब डाला हुआ था तो वो आपको नहीं दिखाया, तो
तो सब्जी जो हमारी वो बन चुकी है, इसमें जो है कटी हरी धनिया डाल देंगे और हेल्दी सी सब्जी हमारी बन चुकी है। तो इसके साथ में ना हमने रोटी और चावल बनाए थे, क्योंकि रोज़ रोज़ ना समझ नहीं आता क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो आज यही बना लिया।